ग्राम लहरावदा में पर्याप्त लाइट नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने एमपीईबी में किया प्रदर्शन, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग। दरअसल ग्राम लहरावदा में पर्याप्त लाइट नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा कुछ दिनों पहले भी बिजली विभाग से शिकायत कर पर्याप्त लाइट देने की मांग की थी। उसके बावजूद भी विद्युत विभाग के द्वारा समस्या का निराकरण नहीं किया गया, जिसके चलते आज ग्राम लहरावदा की बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने किसान नेता इंदर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर एमपीईबी के अधिकारियों से चर्चा कर समस्या का निराकरण करने की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एक डीपी होने की वजह से ज्यादा लोड होने के कारण बिजली का तार टूटना, डीओ फटने जैसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से लाइट चली जाती है और लोग बारिश के मौसम में अंधेरे में रहते हैं और दुर्घटना का डर भी बना रहता है। ग्रामीणों ने गांव में एक और डीपी रखने की मांग कर समस्या का निराकरण करने की बात कही है। वहीं मामले में विद्युत अधिकारी ने समस्या का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। वोल्टेज की समस्या है, एक महीना से लाइट रात में चली जाती है और सुबह 8 बजे आती है। रात भर मच्छर कोई लाइट नहीं जला, इतना पंखा चला, कुछ नहीं। 30 तारीख को कुछ नहीं हुआ अभी तक। आज भी आए तो ट्रांसफार्मर सही हो जाए, हमारी लाइट चालू है। दूसरा ट्रांसफार्मर लगा दें तब ही सही हुई है, नहीं तो नहीं हो रही। वो इसलिए आए हैं, हमारा लहरावदे गांव के लोग आए हमारे, और लहरावदा कम से कम एक महीना से पूरा गांव परेशान है। रात में लाइट जाती है तो सुबह दिन में आती है, और दिन में आती है तो 10 फिर 1 घंटा की आएगी, फिर जाएगी, फिर पूरा विधानसभा में हालत बहुत खस्ता है। देहात में इतनी टेपिंग हो रही कि हर 1 घंटे में लाइट जाती है आती है। मतलब हम लोग देहात में का सांप बिच्छू रह रहे हैं कि हम लोगों को कोई बोई नहीं है, हम लोगों की कोई कदर नहीं है, हम लोग का इंसान नहीं है देहात में, हम लोग का बिल्कुल ही इंसान नहीं बचे देहात में, कोई कदर ही नहीं बची, मतलब सारा सिस्टम ही बिगड़ गया देहात का। हमारे लिए इसलिए आए हैं डी साहब से बात करने कि हमारा सिस्टम सुधारें, वरना हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि थोड़ी सी उनकी चल रही है मीटिंग, तो मीटिंग के बाद थोड़ा सा बैठ के बात करेंगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सारी समस्याएं हल करेंगे।